मेरा नाम नीरज है, गाजियाबाद का विभाग से संयोजक हूँ बजरंग दल का। और प्रशासनिक दृष्टि से जो जिला है उसे हम गाजियाबाद विभाग कहते हैं, जिसमें गाजियाबाद महानगर, वैशाली महानगर और गाजियाबाद जिला ग्रामीण क्षेत्र आता है, तो इसे हम विभाग कहते हैं। तो विभाग की इकाई में मैं यहाँ विभाग संयोजक हूँ। और आज का जो प्रारूप है, इस मंदिर प्रांगण में हम कई वर्षों से हम इससे जुड़े हुए हैं। बजरंग दल की चालीसा पहले भी यहाँ से चलती रही है, हमारी खंड की कार्यकारिणी रही है, प्रदीप जी हमारे, कमल जी यहाँ पर, सभी लोग प्रखंड के कार्यकर्ता, खंड के कार्यकर्ता रहे हैं। और लगातार साप्ताहिक चालीसा इस मंदिर प्रांगण में भी चलती रही, मैं भी आता रहा। मगर कल रात्रि मेरे यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात हुई तो बताया कि मंदिर प्रांगण को निगम के कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं और ऐसा कुछ है। तो रात के 11 बजे बातचीत हुई तो कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस तरह का चीज़ है। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रांगण पुराना है और यहाँ पर पहले से ही प्रभु बैठे हुए हैं, शिवलिंग बैठे विराजमान है। कितने साल पुराना है? लगभग 20-25 वर्ष पुराना है मंदिर ये, और यहाँ पर कार्यकर्ता भी बहुत पुराने हैं हमारे। तो यह सब जब घटनाएं हुई तो सभी कार्यकर्ता, बड़े आक्रोश था, पूरे हिंदू समाज में व्याप्त था और हिंदू समाज बहुत रोष में था। तो सभी को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सरकार हमारी है और सरकार बहुत ही, जो है हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही आदरणीय महंत जी, बहुत देवतुल्य है, और वो इस चीज़ पर इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। और हमारी जो नगर निगम की मेयर साहिबा हैं वो भी हिंदूवादी हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो मैंने इन सबसे आश्वासन दिया, सभी कार्यकर्ताओं का रोष कम हुआ, मगर परेशानियां सभी को थी, मन में सबके कुछ ना कुछ व्याप्त था। सभी लोग सुबह गए, वहाँ परिचय दिया, बातचीत हुई, अधिकारियों से परिचय हुआ कि अब ये प्रांगण में इस तरह की कोई गतिविधि, इस तरह की दुर्भावना से नहीं की जाएगी और प्रांगण सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पर बजरंग दल की जो टोली है वो लगातार इस तरह से काम करती रहेगी, हम यहाँ की सुरक्षा और उसके बारे में हमेशा ध्यान रखते रहेंगे। और हिंदू समाज जो है वो यहाँ खड़ा हुआ है मंदिर और मंदिर प्रांगण के लिए, हमेशा बजरंग दल खड़ा रहता है। हम मठ मंदिर, अपने देवतुल्य जितनी भी बहन बेटियाँ हैं सबके लिए लव जिहाद, इन सब सारी गतिविधियों को रोकने के लिए खड़े हैं। तो इसलिए यहाँ की इकाई जो है पूरे मन के साथ, पूरे तन के साथ, पूरे धन के साथ और बाकी सब चीज़ों के साथ भी खड़ी है, और वो सारी इस सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहेगी। अब मुद्दा यह है कि मेयर साहिबा ने आपको आश्वासन दे दिया, कल नगर निगम के जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा था कि हटाया जाएगा, तो उनको आपने कुछ सौंपा? अब आगे से नहीं आए वो सभी, उनसे बातचीत हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हम मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकते, सभी से बातचीत हुई है, सभी ने आश्वासन दे दिया है। बहुत सारी बातें हमें फ़ोन पर हुई हैं, कुछ व्यक्तिगत हो चुकी हैं, अब इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। सभी कार्यकर्ता बिल्कुल शांत मन से, भाव से अपना काम करें, यहाँ कोई किस तरह की कोई गलत गतिविधि नहीं होने वाली है। ये जिहादियों की सरकार नहीं है, ये राष्ट्रवादियों, धर्मवादियों की सरकार है और यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ नहीं हो पाएंगी। हमने काफ़ी महिलाओं से भी सुबह बाइट ली थी, हमने पूछा था, हम सुबह भी आए थे यहाँ पर, तो काफ़ी परेशान थे वो लोग, सोच रहे थे कि हमारा इतना प्राचीन मंदिर है और ये टूट जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे, पूजा करने की बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दूर दूर तक मंदिर नहीं है। अब उनके और आप सब ने ये जो प्रोग्राम किया है, चालीसा पढ़ी है, तो इसमें बहुत सारे लोग खुश हैं, उनका खुशी का माहौल है। जो माताएँ हैं वो हमेशा कोमल होती हैं, और माँ को कभी भी दिक्कत आती है पुत्र पर, परिवार पर या मठ मंदिर पर, तो माँ का हमेशा मन पिघल जाता है, तो माताओं का विचलित होना स्वाभाविक है। और इसीलिए बजरंगी खड़े हुए हैं, बजरंग दल खड़ा है, युवा खड़ा है उनके साथ, और इस तरह की कोई भी गतिविधि होने नहीं देगा। माताओं को आश्वासन दिया है, आप निश्चिंत होकर अपने धर्म कार्य करिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं और इस तरह की कोई भी गतिविधि गाजियाबाद में नहीं होने देंगे। ये मंदिर 20-25 साल पुराना है, स्थापित हो चुका था, जो अभी नगर निगम के अधिकारी लोग आके कल यहाँ पे बोले कि मंदिर हटाया जाएगा। जी जी। तो हमारे बजरंग दल के सारे कार्यकर्ताओं ने मेयर साहब के यहाँ, साहिबा के यहाँ जाकर के इस मंदिर को रोका गया। जी जी। उसके बारे में आप बताइए, क्या स्थापना हुई थी, कब से हुई थी उसकी? ये आज से लगभग 25 वर्ष पहले नगर निगम द्वारा जो झुग्गियाँ उठी थी उन लोगों को पुनर्वास में यहाँ पे निवास दिया गया। तो जो लोगों ने मांग करी तो उसके अकॉर्डिंग हिंदू लोगों की ज़्यादा तादाद थी, तो उन्होंने यहाँ पे जो वर्तमान मेयर थे उस समय, उन्होंने ये मंदिर के लिए जगह दी। हमारी आंटी जो थी पूर्ण बिमला देवी, वो उस समय इस चीज़ को लीड कर रही थी, लीडर थी उस समय की। तो ये मंदिर एक छोटे से लोगों ने बाउंड्री कर ली, इसमें कोई ज़्यादा मूर्तियाँ भी नहीं थी। कुछ समय पूर्व, आज से 2-3 माह पूर्व, हमारे यहाँ के जो ये भैया हैं क्षेत्रीय, यहाँ पे मेडिकल स्टोर चलाते हैं, जबकि इनका यहाँ निवास भी नहीं है, नंदग्राम निवास है। इनमें चेतना आई, ये हमारे छोटे भाई हैं प्रदीप जी, इनमें एक विक्रम जी, विजय जी, इन लोगों ने आके, भाई इतने सारे हिंदू रह रहे हैं और ये जो मंदिर है इसकी 4 दीवारी 2.5 इंची है या 2.5 फिट की है, तो कुत्ते बिल्ली आए क्षति पहुँचा रहे हैं मंदिर को। इन लोगों ने सभी में जनचेतना पहुँचाई, जनचेतना पहुँचा के पैसे का कलेक्शन इधर उधर से, किसी पे कुछ सीमेंट दान बना और इन लोगों ने यह निर्माण स्टार्ट करा दिया सभी की सहमति से। कुछ जिहादी प्रवृत्ति के लोग या कुछ आधर्म करने वाले लोगों को कुछ इस चीज़ की कुछ दर्द हुआ और उन्होंने सरकार को कंप्लेंट दर्ज कर दी। एक अच्छा, सरकार ने अब से पहले तो नहीं तोड़ने आई, भाई कोई कंप्लेंट गई है तभी ये हुआ है, तो सरकार ने उस
कंप्लेंट के आधार पर कल वो यहाँ अधिकारी लोग आए और उन्होंने आके अपनी बात रखी कि भैया निर्माण रोकिए। अब सभी लोगों ने अपने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बैठक की, कहा कि भाई हम अपनी बात जो है एक बार सरकार के सामने रखते हैं। विश्व हिंदू परिषद तक ये बात गई, बजरंग दल तक गई और लोगों ने तत्काल ही सभी की मदद करी। अधिकारी को सूचित किया कि कल मौके पर यहाँ बुलडोजर ना आए। सुबह जो ये लोग कार्यकर्ता हैं, जो एक समितियाँ चल रही है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, इन लोगों ने पब्लिक को जन जागरूक किया। सभी को लेकर माननीय मेयर साहिबा के पास गए और मेयर साहिबा ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए, लोगों के जन आक्रोश को देखते हुए आश्वासन दिया है। अभी मैं उसे आश्वासन नहीं कहूंगा क्योंकि जब तक कोई रिटर्न में ना हो ना, जब तक रिटर्न ना हो, तब तक हम अपनी तरह के कह रहे हैं, जब तक कोई पेपर ना हो वो भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। अभी तो एक उन्होंने कह दिया, आश्वासन है, ये चल रहा है, कल को फिर कोई एक एप्लीकेशन लगा देगा, फिर ये मुद्दा खड़ा हो सकता है। क्योंकि एक समस्या खत्म नहीं होती, अगर किसी ने इसमें एप्लीकेशन दायर की है तो वो व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता, वो फिर हरकत करेगा। तो अभी मेरी है, हम सभी की ये मांग है कि माननीय सरकार जो है अभी वो हमारे हक की है। माननीय जो आदित्य योगीनाथ जी हैं वो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, वो इस मंदिर को पूर्ण रूप से लिखित रूप से यहाँ के पब्लिक को रिटर्न में दें कि कल को अगर विपरीत सरकार आ गई, वो आगे बिल्डोजर के खड़े हो जाएंगे, फिर इन लोगों पर डंडा बाजेगा, कुछ लोग जेल जाएंगे उसमें। आज तो अपनी सरकार थी तो बात मानी ली गई, अगर ये विपरीत सरकार होती तो डेफिनेट कुछ लोग इसमें जो है उन पर कार्रवाई करी जाती। तो हमारा सभी का ये निवेदन है कि इस जो सॉल्यूशन जो हो वो परमानेंट हो, रिटर्न में हो, यहाँ लिख के दिया जाए, इसकी एक समिति हो, वो इसकी देखरेख करे और जनता इस चीज़ को जो आगे तत्काल इसे चलाती रहे। तो मेरी जो यहाँ माननीय सरकार से, माननीय जो प्रशासन है उससे निवेदन ये है कि सभी हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए इसका परमानेंट रिटर्न में जो है मंदिर को समाज के लिए दिया जाए। एक उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी भी एक सनातनी है और ये मंदिर हमारा सनातनी है, हमारे सारे लोगों में ये विश्वास है, भरोसा है, उम्मीद है कि हमारा मंदिर कभी जाने वाला नहीं है, कभी टूटेगा नहीं। अभिषेक जी आप यहाँ आए हुए हैं, 40 का पाठ हुआ है सामने, ये कल यहाँ था कि अधिकारी कुछ आए थे नगर निगम के, वो कह रहे थे हम मंदिर हटाएंगे यहाँ से, ये हमारी जगह में है LMC में, तो आप उसके बारे में, अभी 40 का पाठ हुआ था तो आप बताइए अपने बारे में। हमें मुख्य रूप से अगर देखना है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता जहां सम्मिलित हो जाएंगे वहां मठ मंदिर सुरक्षित रहेगा, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, लव जिहादी दूर रहेंगे और सनातन का परचम लहराएगा। बजरंग दल का खड़ा होना ही अपने आप में एक प्रमाण है कि वहां पर हमारा कोई भी अगर हिंदू वहाँ पर सुरक्षित रहेगा, बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। बजरंग दल का खड़ा होना, आज यहाँ पे बजरंग दल खड़ा हुआ है, पूरा मोहल्ला जो हमारा है उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ है कि अब मंदिर को ठेस नहीं पहुँच सकती, मंदिर पे आँच नहीं आ सकती। सारे हमारे मोहल्लेवासी, हमारे क्षेत्रवासी बड़े खुश है, बड़े अच्छा लगा। यहाँ माताएं बहनों ने बहुत अच्छा हमसे वो कहा, जब हम अंदर आए माताओं बहनों ने हाथ जोड़ के कहा कि आपने हमारा मंदिर बचा दिया। तो इसका अर्थ क्या है, इसका सीधा मतलब यह है कि जनता का, हिंदुओं का अगर किसी पे विश्वास है तो बजरंग दल पे विश्वास है और बजरंग दल इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा, यह विश्वास अड़िग रहेगा। हम भाई साहब के नेतृत्व में आए थे, नीरज जी भाई साहब के नेतृत्व में, हम सदा हमेशा भाई साहब, एक ही मंदिर नहीं, यहां हजारों मंदिर ऐसे हैं गाजियाबाद क्षेत्र में जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भाई साहब नीरज जी के नेतृत्व में बहुत सारे मंदिरों को बचाने का काम बजरंग दल ने किया है। ये प्रमाण है कि बजरंग दल का कार्यकर्ता और बजरंग दल जहां खड़ा होगा वहां हिंदू ताकत से रहेगा और हिंदू सशक्त रहेगा, ये प्रमाण है। देखिए सही बात है कि बजरंग दल ने आज इस मंदिर को रुकवाया है और काफ़ी टाइम से ये मंदिर है, लगभग 20 से 25 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और आज काफ़ी लोगों में ये खुशी का माहौल था, 40 का पाठ भी किए हैं कि हमारा मंदिर रुक गया।